हेलो फैमिली, हमारे पिछले हर एक एपिसोड्स की तरह आज का एपिसोड भी एक ऐसे कंटेंट पर जनाब मोहम्मद रफी साहब का एक रेयरेस्ट रेयर गीत। रफी साहब का एक ऐसा गीत जो फिल्म में था, स्क्रीन पर था, लेकिन रिकॉर्ड्स पर इस गीत को कभी भी पब्लिश नहीं किया गया था। भारत के वेस्टर्न जोन के गुजरात कच्छ भूज से दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार सत श्री अकाल आता। साल 1954 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था शमा परवाना। फिल्म शमा परवाना में अभिनय दिया था शमी कपूर जी और सुरैया जी। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीत था हुस्नलाल भगत राम जी का। फिल्म शमा परवाना के कुल मिलाकर 12 गीत थे। तू ही भरोसा, तू ही सहारा, शामे बहार आई, जाके लगे नैना, सरे महफिल जो जला परवाना, मेरा दिलदार बेकरार है कोई, अलविदा अलविदा, मेरा दिलदार ना मिलाया, जो कि गाया था सुरैया जी ने। उल्फत का जाम पिला ओ परवाने शमा को, शामे बहार। और रफी साहब की आवाज में एक और गीत था, तूने मेरा यार ना मिलाया। दोस्तों, ये सभी 12 गीत जो रिकॉर्ड्स पर रिलीज हुए थे, लेकिन इन 12 गीतों में एक गीत जो शामिल नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर इस फिल्म में दिखाया गया था, जो गाया था जनाब मोहम्मद रफी साहब ने और पिक्चराइज हुआ था शम्मी कपूर जी पर। अगर फिल्म शम्मा परवाना का हम जिक्र करें तो दोस्तों, अगर आप गौर फरमाएं तो कुल मिलाकर 12 गीत थे। अगर एक गीत का ड्यूरेशन भी हम पकड़ते हैं 3 या 4 मिनट का, तो तकरीबन 35 मिनट का वक्त पूरी फिल्म का जो था वो संगीत पर मग्नी था, गीतों पर आधारित था। तो हो सकता है कि आज हम जिस गीत का जिक्र करना चाहते हैं, इस गीत को रिकॉर्ड में शायद उनकी स्पेस के हिसाब से शायद शामिल ना किया गया हो, लेकिन स्क्रीन पर इस गीत को बाकायदा दिखाया गया था। रफी साहब की प्यारी सी आवाज में ये गीत था। फिल्म के सिचुएशन के मुताबिक शमी कपूर जी बड़े ही उदास अंदाज में पर्दों के बीच में बरामदे में खड़े हुए हैं और बैकग्राउंड में ये रफी साहब का गाया हुआ गीत प्ले होता है। इस गीत की खूबी ये है कि ये गीत पर किसी भी किस्म के रिदमिक इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं किया गया। सुनते हैं ये पूरा गीत। बादे सबा ये खेल था क्या, क्यों पर्दा जला, क्यों आग लगी, पर्दे में लगी, दिल तक पहुंची, अब बुझती नहीं, यूं आग लगी। क्यों पर्दा जला, क्यों आग लगी, जनाब मोहम्मद रफी साहब की आवाज से सजाइए प्यारा सा और सुरीला गीत, जो स्क्रीन पर दिखाया गया था लेकिन विनाइल रिकॉर्ड्स पर यह गाना कभी भी पब्लिश नहीं हो पाया। ये पूरा रिदम लेस एक प्यारा सा नगीना हुस्नलाल भगत राम जी का संगीत। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का।
दुनिया का सबसे महंगा, सबसे कीमती कोई लिक्विड है, प्रवाही तत्व है, तो ये है आंखों से टपकते हुए आंसू। कहा जाता है कि आंसुओं के अंदर सिर्फ 1% पानी होता है, बाकी 99% उसके अंदर होते हैं दिलों के जज्बात, हमारे फीलिंग्स। अगर हो सके तो दूसरों की आंसुओं की हमें कदर करनी चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें लिख करके जरूर भेजिएगा। आपके लाइक्स के लिए हम मुंतजिर रहते हैं। अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से क्लिक करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो दोस्तों, मिलेंगे बिल्कुल ऐसे ही जनाब मोहम्मद रफी साहब की प्यारी सी नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर।